वासुदेव, मुझे ये शांति प्रस्ताव स्वीकार नहीं है। सोच तो लेते पुत्र। इसमें सोचना क्या है पितामह? अर्ण के अनुसार उन्हें 12 बरस के वनवास को स्वीकार कर लेना चाहिए था, और वे राज मांग रहे हैं। अपनी नात की आंच को धीमी करो दुर्योधन, धीमी करो। जैसे कुल्हाड़ी वृक्ष को काट कर गिरा देती है, वैसे ही व्यक्ति का कपट कुल्हाड़ी बनकर स्वयं उसे काट डालता है। और ये भी देखो वत्स, वासुदेव मित्र की भाषा बोल रहे हैं। और मित्र की भाषा ये कह रही थी कि मैं अपना आधा राज उन्हें दे दूं। यदि ये मित्रता है तो मुझे शत्रुता की परिभाषा समझाइए पितामह। शत्रु वो है युवराज, जो किसी योद्धा को किसी अनुचित युद्ध के लिए भड़काए। जो कुछ भी वासुदेव ने कहा वही धर्म है। इंद्रप्रस्थ तो मैं कभी नहीं दूंगा कुलगुरु। हाँ, यदि वासुदेव के पास कोई और प्रस्ताव हो तो मैं उस पर विचार कर सकता हूँ। आप लोग दुर्योधन के शुभचिंतक हैं, इन्हें समझाइए, क्योंकि भरत वंश के भविष्य को इस नासमझ योद्धा की महत्वाकांक्षा पर बलि नहीं चढ़ाया जा सकता। और यदि प्रस्ताव ही का प्रश्न है युवराज, तो मेरे पास एक और प्रस्ताव भी है। यदि दुर्योधन इंद्रप्रस्थ रखना चाहे महाराज, तो अवश्य रख लें। मैं पांडवों की ओर से 5 गांव मांग रहा हूं। अविस्थल, वरकास्थल, मकांदी, वारणावत और एक और कोई गांव। केवल 5 गांव। हे नरेश, यदि आप ये 5 गांव भी दे दें तो पांडव उन्हें पाकर संतुष्ट हो जाएंगे। 5 गांव, और वो भी उन पांडवों को? मैं उन पांडवों को सुई की नोक जितनी भूमि भी नहीं दूंगा। हे दुर्योधन, अपनी माता श्री शिव भक्तिनी गांधारी को अपने शव पर विलाप करने के लिए क्यों आमंत्रित कर रहे हो? वासुदेव, यदि तुम दूत न रहे होते तो तुम्हारी ये कहने पर। दुर्योधन, इन्हें बोलने दीजिए पितामह, बोलने दीजिए। यदि मैं दूत न होता तो क्या कर लेते युवराज? यूं मेरी माता श्री की बात करने पर मैं तुम्हारी जीभ खींच लेता और तुम्हें बंदी बनाकर कारागृह में डाल देता। राजदूत को बंदी बनाओगे युवराज? उस अतिथि को बंदी बनाओगे जिसके स्वागत के लिए कुरुश्रेष्ठ गंगापुत्र भीष्म और आचार्य श्रेष्ठ द्रोण और कृप गए थे? हे अहंकारी दुर्योधन, यदि हमें बंदी बना सकते हो तो अवश्य प्रयत्न करके देख लो। सैनिक, इस ग्वाले को बंदी बना लो। अरे मूर्ख, क्या कर रहा है? Thank you.
भगवान आंखें जिनके पास हो ले इनको पहचान ले इनको पहचान।